मेरा नाम प्रियांशी है और मैं गर्ल्स स्कूल से बात करूँ की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम धर्मपुर में खंड स्तर पर यूथ पार्लियामेंट युवा संसद में भाग लेने आए थे। हमें युवा इसमें भाग लेके ये पता चला कि संसद में होता क्या है। इसका उद्देश्य था कि जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं आज हमने उसे प्रैक्टिकली देखा कि संसद में होता क्या है, इसलिए हमें आने वाले समय में मदद करेंगे। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बात हूँ, प्लस टू की छात्रा। हम आज धर्मपुर में यूथ पार्लियामेंट के लिए आए। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए बार बार ताकि बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिले। मैं नाजिया, प्लस टू कक्षा की छात्रा, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबाथू से यहाँ धर्मपुर में यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम में भाग लेने आई हूँ। हमने आज यहाँ पर प्रैक्टिकली जो कुछ किया उससे हमें इन फ्यूचर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तथा ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि बच्चों को इन फ्यूचर बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। नमस्कार, मैं रिया कोहटी स्कूल से धर्मपुर स्कूल में यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट करने के लिए आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी भी आए हैं, जिस जो हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करेंगे और हमें पूरा उत्साह है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। ये सभी बच्चों को यहाँ पे ये सब करना चाहिए जिससे हमें अनेक एक्टिविटी करने को मिलती है और देखने को मिलती है। बहुत बच्चे इसको सीखेंगे, जो ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, इससे हमें बहुत नॉलेज बढ़ेगी हमारे यहाँ पे। तो प्लीज़ आप भी यहाँ आए और इसमें भाग लें। धन्यवाद। मैं अनिल शर्मा, प्रिंसिपल कॉमर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर। आज यहाँ पर युवा संसद का आयोजन किया गया जो पिछले 2 दिन से चल रही थी, तो इसमें मुख्य रूप से जो जज की भूमिका निभाई सुधीर शर्मा, प्रिंसिपल बवासी, श्रीमती शालिनी दीवान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस कंडाघाट, और श्री संजय ठाकुर जी, एसएमसी प्रधान। तो इसमें 20 टीमों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसमें से 16 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें जो है बच्चों के माध्यम से बताई गई, काफ़ी विषय ज्वलंत विषय यहाँ उठाए गए, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि ऐसी जो आयोजन है वो जो है भविष्य में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। सर, इसका रिजल्ट क्या रहा अभी? इसका रिजल्ट क्या रहा सर अभी? जो हाँ, इसमें जो है पहली पोजीशन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेवा, और सेकंड में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल धर्मपुर, और थर्ड जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोईनगर। जो फर्स्ट टीम है, जो यहाँ से ब्लॉक लेवल में जो फर्स्ट टीम आई है, उसको जो है डिस्ट्रिक्ट में पार्टी